वेलकम लर्नर्स टू गेट नोटबुक चैनल। तो इस पर्टिकुलर लेसन में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेकर आ रही हूँ गेट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे वो और भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और भी बेहतरीन तरीके से कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं अपने गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मोटिवेशनल कोट है आप सभी लोगों के लिए, या फिर आप इसको एक कड़वा सच भी मानकर चल सकते हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 50% हार्डवर्क करते हो तो आपको 100% लॉस ही मिलेगा। तो 50% हार्डवर्क कर रहे हो तो मत ही करो, इससे अच्छा 0% हार्डवर्क सही है। ठीक है, कम से कम डीमोटिवेट तो नहीं होगे ना। तो इसलिए अगर हार्डवर्क आप 50% कर रहे हो ना तो छोड़ दो, वो मत करो, क्योंकि उससे आपको 100% लॉस होगा और आपको डीमोटिवेशन होगी, आप फिर आगे लाइफ में बढ़ नहीं पाओगे। पर अगर आप उसी चीज़ को करने में, उसी एग्ज़ाम की तैयारी करने में 100% हार्डवर्क दे रहे हो, अपना कड़ी मेहनत कर रहे हो, दिन रात को एक कर रहे हो, चीज़ों को समझने में अपना पूरा दिन लगा रहे हो, तो ये कहने का मतलब नहीं है मेरा कि चीज़ों को समझने में पूरा दिन लगा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंसेप्ट के पीछे इतना डेस्परेटली पड़ जाइए कि वो कंसेप्ट आपको समझ आएगा, तभी आप उसको छोड़ोगे। ये होता है 100% हार्डवर्क, कि किसी कंसेप्ट को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि वो समझ ना आ जाए। पर ऐसा भी नहीं कि अगर एक कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो उसी पर एकदम आप अटके हुए हो, ठीक है, उसको आप अपने डाउट बॉक्स में डाल दो और अपने टीचर से पूछो कि मैडम आप बताइए, ठीक है, अपने सीनियर से पूछो। तो ये आपको 100% हार्डवर्क डेफिनेटली 100% गेन दिलवाएगा। ये किसी भी एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो सभी एग्ज़ाम के लिए है। तो यहाँ पर आपको जो इम्पॉर्टेंट तरीका होना चाहिए एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का, वो यही होना चाहिए कि आपको 100% हार्डवर्क करना है, कड़ी मेहनत करनी है, बिकॉज देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क बोलते होंगे बहुत सारे लोग कि अरे हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, पर स्मार्ट वर्क को करने में भी हार्ड वर्क लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर अब 100% गेन आपको कैसे होगा, अगर आप खुद तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, 50% हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने आप से अकेले पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, या फिर किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, तो 50% हार्ड वर्क लग रहा है आपको, आपको लगता है कि नहीं यार मेरी सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है, मेरे डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरे साथ आकर पढ़ो अनअकैडमी पे, अनअकैडमी पे मेरे से डाउट पूछो, अपने जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप अनअकैडमी मुझसे पूछ सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी पे बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं गेट कैटेगरी के लिए, और एक ही प्लेस में आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाने वाले हैं। बट दुखदायक की बात यह है कि इसके प्राइस जो है वो अक्टूबर से इंक्रीज़ हो रहे हैं, पर खुशखबरी ये है कि कल तक का आपके पास वक्त है, और टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीवन, ये हमेशा याद रखना कि टाइम कभी भी किसी का वेट नहीं करता है। एक बार अक्टूबर आ गया ना तो आपको फिर बढ़े हुए प्राइस पे ही इनरोल करना पड़ेगा। मुझे पता है आप डेफिनेटली अनअकैडमी प्लस को इनरोल करोगे, पर कब करोगे, जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती दोस्तों कि आप प्राइस इंक्रीज़ हो जाने के बाद अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें, ये आपका लॉस है और आपका लॉस मेरा लॉस है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैं आपको डेफिनेटली यही कहूँगी, रेकमेंड करूँगी कि आपको 6 मंथ का प्लान लेना चाहिए अनअकैडमी प्लस पे। अगर आप गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 6 मंथ का प्लान लोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर 6 मंथ प्लान में जितने भी एजुकेटर्स, जितने भी प्लस कोर्सेस लेकर आते हैं, उन सबकी एक्सेसिबिलिटी आपके पास होगी। अगर आप लाइव सेशन नहीं देख पाते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स तो डेफिनेटली मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशंस, पीडीएफ नोट्स, हर एक 4th सेशन डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जिसमें कि आप वही जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा अपने डाउट बॉक्स में डालना और मेरे सामने ले आना कि बोलोगे कि मैडम मुझे बताइए, ठीक है। मेगा क्विज होगा, 50+ वीकली क्विज होते हैं, मॉक टेस्ट एडिशनल है आपका, तो कौन जगह होगा बताना जहाँ पे आपको पढ़ाई भी हो रही है और मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, हाँ, इतने कम कॉस्ट में कहीं नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूट पे जाओगे ना, इंस्टीट्यूट में जाओगे आपको 50-70 हज़ार बोलेगा कि पे करो, 50-70 थाउजेंड एक स्टूडेंट के लिए पे करना मामूली बात नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे अनअकैडमी आपको बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है प्राइस को लेकर, सिर्फ 12,960 में आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें कि 6 मंथ सब्सक्रिप्शन में आपको ये पूरे कोर्सेज मिलेंगे। ये तो मैं बोल रही हूँ कि इसमें आपके 17+ कोर्सेज तो लॉन्च हो भी गए हैं और चल रहे हैं अभी अनअकैडमी पे। अभी इतना ज़्यादा देरी मत करो, अभी और भी प्लस कोर्सेज आने वाले हैं 6 मंथ के प्लान में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 3rd ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है, गेट ऑब्वियसली बीटेक के 3rd ईयर के स्टूडेंट हो, आपको गेट एग्ज़ाम की तैयारी करनी, तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लो, बहुत सस्ता पड़ेगा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, ठीक है।
तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 20,000 पड़ रहा है, पर 20% का डिस्काउंट लगेगा तो आपको सिर्फ 16,000 लगेगा। तो देखो, और आपका जो सिक्स मंथ का प्लान जो है ना, वो 16,000 लग रहा है, पर 20% का डिस्काउंट लगेगा तो सिर्फ इतना लगेगा आपको, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 20% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लेना, हेलो सोनू 01, और क्रेडिट्स को अप्लाई कर लेना, 20% का ऑफ मिल जाना है, ठीक है। अब देखो, 60 डेज का अल्टीमेट कोर्स मैं लेकर आ रही हूँ गेट कंप्यूटर साइंस 2020 के लिए। इन 60 दिनों में ऐसा क्या होगा कि आपका ऑब्वियसली जो थॉट है गेट एग्ज़ाम को लेकर वो बदल जाने वाला है। अभी आपको टफ लगता होगा गेट एग्जाम, पर इन 60 दिनों में वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कस करूँगी सभी सब्जेक्ट से, और उनको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक समझाऊंगी। डेफिनेटली इन 60 डेज के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आया तो मुझे बोलना, ठीक है। फुल कोर्स है यहाँ पे, थ्योरी ऑफ कंपटीशन पे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सभी सब्जेक्ट पे आपको फुल कोर्स मिल रहे हैं और बहुत बार रिपीट हुए हैं। आप देखोगे लिटरली यहाँ पे, आप देखोगे अनअकैडमी प्लस पर एक ही सब्जेक्ट पे 3-4 एजुकेटर्स फुल कोर्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब एक ही सब्जेक्ट को आप 3-4 बार प्लस कोर्स के थ्रू पढ़ोगे तो कितना वो हो जाने वाला है स्ट्रांग, आप समझ रहे हो। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एक एजुकेटर पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वही एक सब्जेक्ट 3-4 एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, और कोई भी सब्जेक्ट आपका छूट नहीं रहा, सब्जेक्ट सारे कवर हो रहे हैं, वो भी बहुत सारे एजुकेटर्स के द्वारा। तो आप देख सकते हो कि कितना इफेक्टिव होने वाला है अगर आप इस 6 मंथ प्लान को इनरोल करते हो तो। और ऐसा भी नहीं कि कंप्यूटर साइंस के सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड सब कुछ मिलने वाला है, वो भी फुल कंसेप्ट्स के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कवरेज है, फुल कंसेप्ट का कवरेज है, ठीक है, और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस का कवरेज है, मॉक टेस्ट है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वीकली क्विज, मेगा क्विज कोई नहीं देता, ठीक है। अब एक बताइए, एक और चीज़ बताइए यहाँ पर कि अक्टूबर से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, कल तक का टाइम है, क्या सोचा है आपने, कल तक का वक्त है आपके पास, आज और कल, अगर आज कर लेते हो तो सही रहेगा। क्यों सही रहेगा, क्योंकि कल लास्ट डेट है, कोई भी काम लास्ट डेट पे मत टालो, ठीक है। क्या पता कल कोई प्रॉब्लम हो गई, नहीं हो पाया, तो होता है ना, ट्रांजेक्शन्स करने में प्रॉब्लम होती है, कुछ टेक्निकल इश्यूज होती हैं, तो ट्राई आज ही कर लो ना, बिल्कुल आज ही कर लो आप, जब करना है ही तो कल का क्यों वेट करना, है ना, कल का क्यों वेट करना, कल पे कोई काम टालना नहीं है, सिंपल सी बात है। तो आज है, मैंने बताया है कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली। अभी मेरे क्या क्या प्लस कोर्सेस हैं वो देख लो, मैं अनअकैडमी प्लस पे 3 चीज़ें पढ़ाऊंगी अभी, ठीक है, और आगे चल के मेरे और भी बहुत सारे प्लस कोर्सेज आने वाले हैं अनअकैडमी पे। एक फुल कोर्स है थ्योरी ऑफ कंपटीशन का, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है मेरा, ठीक है, पर ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, आज भी आप ज्वाइन कर लोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। 2-3 वीडियोस जो मिस हुए हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेना। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो ये 12 अक्टूबर से मेरा स्टार्ट हो रहा है, फुल कोर्स ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। बहुत लोगों को प्रॉब्लम इस सब्जेक्ट में, बहुत लोगों को न्यूमेरिकल नहीं आता, थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं आता, इस कोर्स में मैं सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि इसके क्वेश्चंस को कैसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। 60 डेज का अल्टीमेट कोर्स जो है वो सभी सब्जेक्ट को कवर करेगा, एवरी सब्जेक्ट को, ठीक है, एवरी 11 सेक्शंस ऑफ गेट को ये पूरा कवर करने वाला है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, और ये 21 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। पर क्या आप अक्टूबर तक का वेट करोगे, ये बेवकूफ़ी होगी अगर आप अक्टूबर तक का वेट कर रहे हो इन कोर्सेज को इनरोल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरे ही कोर्सेज नहीं चल रहे, यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज चल रहे हैं जो बिल्कुल आप लॉस कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको गेट की तैयारी करनी है तो थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि गेट इज़ अ वेरी टफेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, और इसके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आज आप अपना 12,960 पे करते हो तो इसका 100 टाइम्स आपको आगे आने वाली लाइफ में मिलने वाला है, अगर आप यहाँ पर नॉलेज गेन कर लेते हो बाकी एजुकेटर्स जितने भी हैं और मुझसे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करोगे, अभी थोड़ा सा भले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाए, ये बूंद ही है, जो इंस्टीट्यूट में जाओगे ना समुद्र आपसे मांगा जाता है, और मैं हम अनअकैडमी सिर्फ आपसे समुद्र का एक बूंद ही मांग रहा है, वो भी इतने टफेस्ट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, दैट इज गेट, ओके। तो इसीलिए अगर आप इतना सा ही इन्वेस्टमेंट कर दोगे, आपको बहुत अनअकैडमी देने वाला है, इतना कोई नहीं सोचता, और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही कम कॉस्ट में आपके लिए चीज़ें लेकर आ रहा है,
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। हाँ, अक्टूबर से प्राइस इंक्रीज होगा, ये अनअकैडमी ने पहले ही 10 दिन पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसीजन लेते हो, आपको कहाँ से पढ़ना है, इंस्टीट्यूट पे उतने सारे पैसे देकर पढ़ना है या फिर घर बैठे अपने जगह पे अपने टाइम पे अपने डाउट्स को रिजॉल्व करते हुए अनअकैडमी से पढ़ना है। इंस्टीट्यूट पे जाओगे होते हैं हज़ार बच्चे होते हैं, 1000 में से आप एक उठकर बोलोगे सर डाउट है, बता दे रही हूँ 100% वो डाउट क्लियर नहीं होगा आपका, क्योंकि 1000 स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे। प्रोफेसर जो होगा वो 1000 में से हर एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर करने बैठेगा तो कभी नहीं हो पाएगा। पर अन अकेडमी में आप अगर एक डाउट पूछते हो, अगर कितने भी बच्चे हो, अगर एक भी डाउट पूछेगा इंसान, तो वो डाउट क्लियरिंग सेशन इसीलिए कराया जाता है कि आप सभी के डाउट्स को वहाँ पर रखा जाए। तो आपका यहाँ पे इतने कम कॉस्ट में डाउट्स क्लियर होगा, इसकी 100% गारंटी है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे इतने सारे बेनिफिट्स को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट इस अच्छे से मौके को जाने देगा अपने हाथ से। और अगर अपने हाथ से आप जाने दे रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ऑल योर डिसीजन, राइट। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब आपने सोच लिया कि आपको रजिस्टर करना है या नहीं करना है। अब जिसने सोच लिया कि अब मुझे रजिस्टर करना है अनअकैडमी प्लस को और अपने डाउट्स को क्लियर करना है और इस बार अच्छे स्कोर लाने हैं, तो डेफिनेटली इस लिंक पर जाएं। ये अनअकैडमी गेट सब्सक्रिप्शन का लिंक है। 6 मंथ का प्लान ही लेना है आप सभी को। अगर आप 1 मंथ का प्लान ले रहे हो तो मत लो, इससे अच्छा है 1 मंथ का प्लान लोगे अपना नुकसान कर रहे हो, और आपका नुकसान मतलब मेरा नुकसान, ठीक है। 1 मंथ का प्लान प्लीज़ मत लीजिए। 1 मंथ का प्लान लोगे 4000 आपको पे करना पड़ेगा 1 महीने का, और 6 मंथ का अगर आप पे करोगे तो आपको सिर्फ 12,960 लग रहा है। बहुत बड़ा लॉस है ना, बहुत बड़ा लॉस, तो मत करो, ठीक है। 3 मंथ का प्लान क्यों नहीं कैरी करने के लिए, ये जो लास्ट के जो स्ट्रेटेजिक कोर्सेस होंगे ना उसको मिस कर दोगे, तो मत करो 3 मंथ का भी प्लान। अगर करना है तो 6 मंथ का कर दो, और अगर पैसे की दिक्कत है तो ठीक है 3 मंथ का आप कर भी सकते हो, पर 1 मंथ का मत कीजिए, ये आपका लॉस होगा। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि क्रेडिट से 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मेरे रेफरल कोड से 10% का डिस्काउंट, मतलब कि टोटल 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, 6 मंथ का 16,000 है। ओके, अगर आप क्रेडिट्स को सक्सेसफुली अप्लाई करते हो तो 16,000 पे 10% के डिस्काउंट लगने से आपको इतना कॉस्ट पड़ेगा। और जैसे ही रेफरल कोड मेरा एंटर करते हो, गेट कैटेगरी के लिए मेरा रेफरल कोड यूज़ करना, HelloSonu01 मेरा रेफरल कोड है, इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और फिर जैसे ही इसको अप्लाई करोगे तो आपको फिर 10% का डिस्काउंट और मिलेगा इस पे, और प्राइस सिर्फ इतने कम प्राइस में 6 मंथ में मेरे बहुत सारे प्लस कोर्सेज आने वाले हैं, ठीक है। आप उसकी एक्सेसिबिलिटी आपके पास होगी, तो हाँ, पेमेंट मेथड कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली। तो यहाँ पे पेमेंट मेथड के लिए मैं नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट्स, EMI वगैरह है। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग सभी अनअकैडमी प्लस पर आएंगे और अक्टूबर से पहले ही इनरोल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।